हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बॉन्ग स्टाइल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। पर एक प्लान था हमारा कि हम लोग इस बार घर में सरस्वती पूजा करेंगे। सरस्वती पूजा हमारे बंगाल में बहुत पॉपुलर है और जिस घर में पढ़ाई होता है, मतलब पढ़ाई गाना ये सब होता है, तो उस घर में सरस्वती पूजा करते हैं। तो मेरा बेटी का तो पढ़ाई स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए हम लोग प्लान कर रहे थे कि सरस्वती पूजा घर में करेंगे स्टार्ट फर्स्ट। पर क्या हुआ ना, इस बार मेरा मतलब मैं पूरा भूल गई कि सरस्वती पूजा कब है। तो कल रात भी नहीं पता था कि आज सरस्वती पूजा है, तो आज सुबह मतलब सुबह उठकर मालूम हुआ कि हाँ आज ही पूजा है। तो मैं गूगल में सर्च किया तो मुझे पूरा दिखाया कि आज 5 फरवरी सैटरडे में सरस्वती पूजा है। तो अचानक मैं क्या करूँगी पता नहीं, क्योंकि हमारा कोई घर में प्रिपरेशन नहीं था, क्योंकि कल फ्राइडे था। फ्राइडे में बहुत बिजी रहती हूँ, पूरा मंडे फ्राइडे बहुत बिजी रहती हूँ, सैटरडे संडे फ्री रहती हूँ, पर सैटरडे पूजा है मुझे मालूम नहीं था। पर कोई प्रिपरेशन नहीं था और बेंगलोर में ये बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोई ये सब चीज़ हमारा कलकत्ता में हर जगह अवेलेबल होता है, पर बेंगलोर में हर जगह ये सब मतलब बंगाली का जो पूजा का सामान होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए अवेलेबल बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं सुबह उठकर ही गूगल में जब देखा, उस टाइम ही मैं फेसबुक में एक ग्रुप में हूँ, बंगाली इन बेंगलोर ऐसा एक ग्रुप में, तो उधर जाके मैंने थोड़ा पोस्ट देखा कि हाँ आज ही सरस्वती पूजा है। और उधर ना मतलब जिस बंगाली रहते हैं उस ग्रुप में, जिसका जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ मिल जाता है, मतलब कोई पूछते हैं कि ये सामान कहाँ मिलेगा तो वो सब चीज़ मिल जाते हैं। एक आदमी वहाँ पर कमेंट किया है कि सरस्वती पूजा 5 फरवरी है तो सामान कहाँ मिलेगा, क्योंकि सरस्वती पूजा का जो स्टैचू है, मतलब हमारे बंगाल में मूर्ति बोलते हैं वो स्टैचू, और वो सामान कहाँ मिलेगा। तो कोई एक दुकान का नाम बोला, तो वो दुकान मैंने देखा, तो दिखने के बाद मुझे अचानक पता चला कि अभी उसको कुंतल को बोलूँगी कि अभी जाओ और अभी वो चीज़ मंगा कर ले आओ। तो मैंने फ़ोन किया उस दुकान में, तो दुकानदार मुझे बोला कि एक ही मूर्ति है, एक जन का ही मिलेगा। तो मैंने उसको अभी मतलब फ़ोन में ही बुक कर दिया, क्योंकि मैंने बोला मैं अभी 1 घंटे में जा रही हूँ, आप वो रेडी रखिए। तो अभी कुंतल और मांपी निकल गई वो दुकान के लिए, तो अभी है 11 o'clock। तो दोपहर का खाना बना के मैं नहाने जाऊंगी, मतलब सुबह ही प्लान किया और आज ही सब प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये बहुत टेंशन का बात है, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पर मन में एक शांति मिलेगा मेरा ये पूजा होगा तो ठीक है, देखती हूँ। तो मैं पूरा रेडी हूँ, नहाना बहाना हो गया और इधर भगवान को सजा कर रखूंगी, अभी सिर्फ प्रिपरेशन बाकी है पूजा की, सब तैयारी करूंगी।
तो बहुत जल्दी मैं रेडी किया हूँ, ये देखिए पूरा रेडी है। पर ब्राह्मण चाहिए ना, जो पूजा करते हैं वो नहीं है। हमारा एक फ्रेंड था अभिषेक, पर वो नहीं आए हैं, शायद बिजी है, तो हम लोग ही पूजा कर रहे हैं। तो मैं अभी पूजा पाठ करूंगी, मंत्र पढ़ूंगी। অতঃপর ধ্যানান্তে নারায়ণ লক্ষ্মীর পূজা করিবেন। নারায়ণের ধ্যান। ওম শান্তাকারং ভুজ গোসলং পদ্ম নাভ সুরেশং বিশ্বাধারং গগন সদৃশং মেঘবর্ণং শুভঙ্গং লোকাবরদন্ন মন্ডিত পূজা যা শুদ্ধ বস্ত্রাবৃতা যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতি বিদৈব সদা বন্দিতা সা মাং পাতু ভগবতী সরস্বতী ঈশেষ জাড্ডা পহা সা মা বসতু জিয়াং জয় জয় দেবী জয় জয় দেবী চরাচর সারে চরাচর সারে পূজো যোগ শোভিত পূজো যোগ শোভিত মুক্তাহারে মুক্তাহারে বীণা রঞ্জিত বীণা রঞ্জিত পুষ্পক হস্তে পুষ্পক হস্তে ভগবতী ভারতী ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে দেবী নমস্তে নমো নিত্যং ভদ্রকালোই নমো নমো বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যা স্থানে বো এব চ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমলে রচনে বিশ্বরূপী বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে লক্ষ্মী প্রণামন্ত বিশ্বরূপস্য ভার্যাশ্রী পদ্ম পদ্মালয় শুভে সর্বতং পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে বন্দে বিষ্ণুপ্রিয়াং দেবী দারদ্রয়ী দুঃখ নাশিনী ক্ষীরোদ পুত্রী কেশব কান্তা বিষ্ণু বর্ষ বর্ষ বিলাসিনী বন্দনা বন্দিনাম গণপতি বিঘ্ন বিনাশং মন্দিরাম লক্ষ্মী সহ দেব নারায়ণ মন্দিরাম দুর্গা সহ দেব পঞ্চাননে আর বন্দি डिनर बनाऊंगी बंगाली स्पेशल खिचड़ी, जो पूजा पूजा में करते हैं ना, बंगाली स्पेशल भोग का खिचड़ी बोलते हैं, वो बनाऊंगी। अभी कुंडल का बहुत फेवरेट है, तो अभी मैं किचन में जाऊंगी और डिनर प्रिपेयर करूंगी। मॉम प्लीज डोंट डू दिस। आज रात में हमारा डिनर है खिचड़ी, एकदम बंगाली स्टाइल का, मूंग दाल और जो बंगाली का गोविंदभोग राइस है वो देकर बनाई हूँ मैं। और मेरा बहन वो रेडी कर रही है अभी, उसका फ्राई कहाँ गया। हाँ ये देखो, ये है कैबेज का फ्राई, पकोड़ा। हाँ कैबेज का पकोड़ा। तो आज का ये ब्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज। नहीं जो सब्सक्राइब माय चैनल द बॉन्ग स्टाइल एंड लाइक शेयर कमेंट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।